ठीक है, तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब आपको पता है हमने सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत कल डिस्कशन कर लिया था, लेकिन आज ही हम कंटिन्यू करते हैं वापस से। तो ये न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल का, ठीक है। तो उसमें पहले तो हम जानेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल होता क्या है। उसके बाद सर्कल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में जानेंगे स्टूडेंट, और उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद है कल भी हमने डिस्कशन किया था, अगर सर्कल की डेफिनेशन अगर किसी को बताना हो तो अलग अलग वे में बताते हैं। एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। मतलब स्टूडेंट आप बोल सकते हैं कि ऐसा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैंने पी दिखाया है, तो आप बोल सकते हैं पी ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है, और वो ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से सेम आता है। वो फिक्स पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल बोल रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस पी ओ सी का बराबर आ रहा है, हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें, तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहे लोकस के टर्म में तो बता सकते हैं कि सर्कल ये लोकस है एक पॉइंट का जो ऐसे मूव कर रहा है एक प्लेन में कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो वो कॉन्स्टेंट को यहाँ पे रेडियस आप बोल रहे हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिक्स पॉइंट को आप सेंटर ऑफ द सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म भी देखेंगे कि कैसे फॉर्म यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं सर्कल का। दूसरा डेफिनेशन ये भी हमने डिस्कस किया था। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्कल वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है, या ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो फिक्स डिस्टेंस जो रहेगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, फिक्स पॉइंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी को डाउट है इसमें बता दीजिए स्टूडेंट, ये डेफिनेशन एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एवरीवन, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? मैम, यस ओके यस मैम, यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर आपको कोई बोले कि सर्कल का इक्वेशन लिख के बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अगर आपको बोलेंगे कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट है 0,0 स्टूडेंट। और आप तो बोलेंगे सर्कल का इक्वेशन बताइए, तो यहाँ पे हम देख लीजिए कैसे डायरेक्टली मैंने आपको लिख के दिखाया, डायग्राम भी बनाया है। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, अगर आपने रेडियस माना है आर, कई बुक में ए भी लिखा रहता है स्टूडेंट, स्मॉल ए, आपकी मर्जी है, जो भी नोटेशन यूज करना चाहे कर लीजिए। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर ओरिजिन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे रेडियस की बात की जाए वो आर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें इक्वेशन मिल जाती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे स्टूडेंट? क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाया है, ओ और पी का डिस्टेंस रेडियस के बराबर आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसी को डाउट है स्टूडेंट तो ये आप बोल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे आपको पता है सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और रेडियस है आर। स्टूडेंट समझ में आया? किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए, ये डेरिवेशन कैसे आया? मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है स्टूडेंट। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे ही रहेगा। तो अभी अगर आपका सर्कल का सेंटर है स्टूडेंट, उसके कोऑर्डिनेट कुछ मैंने दे दिए, जैसे एच कॉमा के लिया यहाँ पे, और आपको बोलेंगे कि सर्कल का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको मैंने बोला है सेंटर रेडियस फॉर्म। अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा लिखेंगे देख लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एच कॉमा के एंड रेडियस आर है, तो ऐसा मिलेगा स्टूडेंट। कैसे आया? डिस्टेंस फॉर्मूला से, वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी और सी के बीच का डिस्टेंस हमेशा ये आर देगा। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर स्टूडेंट वहां पे अंडर रूट में है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में है, और राइट साइड में आप लिखेंगे आर, और फिर दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बताइए किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बता देंगे कि सर्कल का सेंटर ये वाले पॉइंट पे है और रेडियस इतना है, तो आप डायरेक्टली सेंटर रेडियस फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। एवरीवन बताइए, किसी को डाउट है इसमें? जो भी स्टूडेंट क्लास में नो प्रेजेंट मैम, है, ओके रजनीश, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट भी बताइए, राशि, कनिका और भी है यहाँ पे, ओके। यस,
स्टूडेंट ये वाला हमने यस मैम ओके थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए. तो हम यहाँ पे सर्कल के वेरियस फॉर्म पढ़ रहे, अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया सेंटर रेडियस फॉर्म. अभी बात करते हैं स्टूडेंट डायमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको, या डायमीटर फॉर्म भी बोल सकते हो आप, या डाया यहाँ पे मेट्रिक भी लिख सकते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म. तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक सर्कल दिया है और सर्कल के जो डायमीटर होता है स्टूडेंट, आपको पता है डायमीटर क्या है, बात की जाए सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी जो कोर होती है ना, लॉन्गेस्ट कोर, और ये जो कोर है आपकी स्टूडेंट वो सेंटर से पास हो रही है, तो यहाँ पे डायमीटर बोलते हैं उसको. अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता है स्टूडेंट, तो हम सर्कल का इक्वेशन इजिली लिख सकते हैं. तो ये चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी एज ए डायमीटर is given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. तो स्टूडेंट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रहा है ना, प्लीज बताइए सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, क्योंकि हमने जब स्ट्रेट लाइन का चैप्टर भी डिस्कस किया था वहां पे भी बताया था कि अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी इन x एंड y. लेकिन जो भी हमने जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी वो आपका सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा वो भी अभी हम जानेंगे. ठीक, क्या कंडीशन रहेगी, लेकिन ये आपको पता चला, अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है तो सर्कल की इक्वेशन ऐसा हो जाएगी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो. लेकिन आया कहाँ से, प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट. तो क्या किया, देख लीजिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ए बी है केस में आपको मिल रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हमने x1 कॉमा y1 माने हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 माने हैं स्टूडेंट. तो ए बी डायमीटर हो गया, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी हमने सर्कल के ऊपर लिया रैंडमली, इसके कोऑर्डिनेट मैंने x कॉमा y दिखाया है स्टूडेंट. यहाँ पे आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पी को ए से ज्वाइन कर सकते हैं, पी को बी से ज्वाइन कर सकते हैं. तो अभी आपको पता चलेगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए पी भी बोल सकते हैं. हमने क्या सीखा था स्टूडेंट कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो पी है आपका 90 डिग्री है, तो डायग्राम से हिसाब से आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी हो गया. ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखा था पिछले चैप्टर स्ट्रेट लाइन में, तो वो यूज करके ए पी का हम स्लोप निकाल सकते हैं. देख लीजिए स्लोप ऑफ ए पी निकाला वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप ऑफ बी पी निकाला ये मिला वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू. क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी है, तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी हो गया माइनस वन के बराबर. इनका प्रोडक्ट की बात करें स्टूडेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका माइनस वन हो गया, एंड यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है तो फाइनली हमें ये मिलता है. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको सर्कल का जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट पता है, तो डायरेक्टली आप सर्कल का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो. तो ये आप बोल सकते हैं ये डायमीटर फॉर्म है, या आप बोल सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, प्लीज बता दीजिए. यस मैम, सबको समझ में आया जो भी है, थैंक यू रजनीश, बाकी लोग भी बताइए जो भी क्लास में है. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है सर्कल का डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं. अभी बात करते हैं स्टूडेंट जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो याद है हमने पिछले चैप्टर में आई थिंक लास्ट या पिछले लेक्चर में ही सीखा था कि जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उस स्टूडेंट कुछ ऐसा फॉर्म में होती है, बता देती हूँ कंफ्यूज मत होइए. कुछ ऐसा हमने बताया था, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस यहाँ पे हम लिखते थे बी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखते थे टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो ये स्टूडेंट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स और वाई में, और हमने ये बात पे डिस्कस करा था कि ये जो मैंने अभी ब्लू कलर में लिख के दिखाई इक्वेशन स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमेशा आपका क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट नहीं करती है. यहाँ पे ये इक्वेशन सर्कल की भी हो सकती है, पेयर ऑफ लाइंस की भी हो सकती है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला किसी की भी हो सकती है कॉनिक सेक्शन में, लेकिन किस कंडीशन में इक्वेशन बनेगी. तो जैसे हमने सर्कल में उसमें सीखा था स्ट्रेट लाइन में कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, जब वो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री था उसकी वैल्यू जीरो आती है स्टूडेंट. अगर मैं बोलूँ कि ये वाली इक्वेशन कोई सर्कल की इक्वेशन है तो किस कब होगी ये इक्वेशन वो मुझे बताना है. तो स्टूडेंट अभी देख लीजिए, ये वाली जो इक्वेशन अगर सर्कल की इक्वेशन होगी तो पहले तो क्या चीज होगा, यहाँ पे ये जो x इंटू वाई है ये वाली टर्म यहाँ पे नहीं होनी चाहिए.
क्यों, रीजन क्या है उसका? रीजन ये है क्योंकि हमने, देख लीजिए स्टूडेंट, अभी डिस्कस किया था सर्कल की अलग अलग फॉर्म। देखो यहाँ पे सेंटर रेडियस फॉर्म सीखा था स्टूडेंट, अगर ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, आइडेंटिटी यूज करके ओपन करेंगे, तो आप नोटिस कर सकते हो कभी भी आपके पास एक्स इंटू वाई वाली टर्म मिलने ही वाली नहीं है। आप चाहे तो ओपन करके देख लीजिए इसको, ठीक है। तो एक तो आपको पता चला, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन ही मिलेगी। अब अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे जो मैंने अभी ब्लू कलर में लिखा है, तो शायद ये वाली टर्म आपका नहीं मिलेगी, मतलब एक्स इंटू वाई का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या पता चलेगा स्टूडेंट? अगर आपको बोलना है कि ये इक्वेशन जो ब्लू कलर से लिखी है सर्कल की इक्वेशन है, तो दूसरा किस ये होगा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वो दोनों आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जो आपकी इक्वेशन जो मैंने ब्लू कलर में लिखी है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये आपका सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया स्टूडेंट? एक तो ये एक्स इंटू वाई का कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए, साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए तभी, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता रही सेम चीज वही बताने वाली हूँ जो मैंने लिखा है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वो हमेशा इस फॉर्म में रहती है स्टूडेंट, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने क्या किया है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए मैंने बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे वन ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार आपको उसका कोएफिशिएंट क्या रहता है आपको कुछ अलग भी दे सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन आपका जो वन है, ये सर्कल का इक्वेशन तब होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होगा और एक्स इंटू वाई जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट जीरो होगा तभी, ठीक है स्टूडेंट। अभी आप बोलेंगे कि मैम ये कहाँ से लिखा, ये स्टूडेंट ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, आपको चाहिए तो मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो वन लिखी है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंटर रेडियस फॉर्म सीखा है कि सर्कल का इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो इक्वेशन वन है, अगर मैं दोनों साइड में यहाँ पे जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी वाले, तो यहाँ पे सी तो ऑलरेडी है, तो जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर का टर्म दोनों साइड में ऐड कर दो, तो क्या होगा देख लीजिए, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस यहाँ पे टू एफ वाई प्लस सी है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, आपको करना है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का टर्म दोनों ही साइड में आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, किसी को डाउट है कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर से सेम साइड दोनों ही साइड में आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे, देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाली टर्म, ये वाला टर्म एंड कहाँ पे गए स्टूडेंट, ये वाली टर्म, ये तीनों टर्म को कंबाइन करके आप कैसा लिख सकते हैं, एवरीवन नोटिस कीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, आप ऐसा लिखेंगे एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, किसी को डाउट है लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, एवरीवन बता दीजिए एक बार, ओके। वैसे स्टूडेंट अभी देखेंगे जो, देख लीजिए नेक्स्ट वाला मैं कौन सा कलर यूज करूँ, ओके रेड वाला, देख लीजिए वाई स्क्वायर का टर्म, ये टू एफ वाई एंड ये जो एफ स्क्वायर का टर्म, तीनों टर्म को कंबाइन करना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, हम इसको देख लीजिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो ये जो सी था ना ये टर्म, इसको अगर राइट साइड में मैं भेज दूँ तो क्या मिलेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, किसी को डाउट है बताइए। एंड अभी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अभी नो मैम, सेंटर रेडियस फॉर्म अभी सीखा था स्टूडेंट थोड़ी देर पहले सीखा था ना हमने, अगर बोला था एच कोमा के सेंटर के, मतलब आपका जो सर्कल का सेंटर एच कोमा के पे है और रेडियस आपका आर है, तो आप जस्ट कंपेयर कीजिए उसी फॉर्म में है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मैम ये सर्कल का ही इक्वेशन है जो आपने ये बताया ना इक्वेशन वन, तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर हो गया माइनस जी कोमा माइनस एफ पे, मतलब सर्कल का सेंटर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्कल का सेंटर है एट माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस स्टूडेंट ये देखो राइट साइड में जो लिखते थे वो क्या आता था, रेडियस का स्क्वायर आता था ना सेंटर रेडियस फॉर्म में, अगर हमने अभी लिखा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो मतलब ये आर स्क्वायर आपका हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब आर आपका क्या हो गया स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिखने की बजाय आपको यही समझा दिया है कि जनरल इक्वेशन सर्कल का ऐसा, जो इक्वेशन वन से मैंने लिखा है ऐसा होता है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? तो ये जो मैंने नीचे लिखा था स्टूडेंट ये वाला मैं इरेज कर देती यस मैम, हूँ, ओके, सबको समझ में आया ना यहाँ पे जो भी क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट है?
ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका जनरल इक्वेशन है सर्कल का, कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपको जो सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स वाई वाला वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो याद रखना है वहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, एंड जो आप लिखते थे स्टूडेंट वो एक्स इंटू वाई जो टर्म था उसमें उसका कोएफिशिएंट एक्स इंटू वाई का कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जनरल इक्वेशन सर्कल का कुछ ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें सेंटर सर्कल का मिलता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। ये सर्कल क्या क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट। रेडियस आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? तो ये भी बार बार यूज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन देंगे तो जरूरी नहीं कि कोई भी फॉर्म दे सकते, ऐसा भी फॉर्म दे सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म दे सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दे सकते हैं, डायमेट्रिक वाली फॉर्म भी दे सकते हैं। तो हमें सारी फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन लिखने का सारी फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये हमने जनरल इक्वेशन लिखी है सर्कल की। किसी को डाउट है इसमें, सबको समझ? नो मैम। ओके रजनीश, बाकी लोग भी बताइए, अंशिका, दीपिका, करिका। ओके राशि, थैंक यू करिका राशि। ठीक है, तो अभी हम स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ नोट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रेडियस है आपका सर्कल का ये होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अभी स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा, अगर सर्कल का रेडियस है वो जीरो हो जाता है तो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? अगर सर्कल का जो रेडियस है जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ आपको सेंटर मिलेगा स्टूडेंट, ऐसा मतलब आपको सर्कल को क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल, मतलब एक सिंगल पॉइंट मिलेगा आपको। अगर रेडियस आपका जीरो के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर मैं जीरो बता देती हूँ तो स्टूडेंट आपको जो सर्कल मिलेगा वो पॉइंट सर्कल बोलेंगे उसको, मतलब सिंगल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट में करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो है तो वो वाले केस में इक्वेशन वन रिप्रेजेंट ए पॉइंट सर्कल, मतलब सिंगल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था रेडियस इसके बराबर है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपका ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो अंडर रूट के अंदर है ये नेगेटिव हो गया, अभी तक आप मुझे बताइए सर्कल में कभी आपने रेडियस नेगेटिव सुना है? नेगेटिव सुना है क्या रेडियस में? नहीं ना, अभी जब भी बनाया है तो हमेशा रेडियस पॉजिटिव की बात कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका लेस देन जीरो है तो मतलब इक्वेशन वन डज नॉट रिप्रेजेंट ए सर्कल, मतलब आप बोल सकते हैं इमेजिनरी सर्कल मिलेगा जो हम देख नहीं सकते, इमेजिनरी मिलेगा। ठीक है, रियल सर्कल नहीं मिलेगा जो हम बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, प्लीज बता दीजिए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि अगर आपका जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो अंडर रूट में लिखा था वो लेस देन जीरो हो गया तो इक्वेशन वन डज नॉट रिप्रेजेंट ए सर्कल। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट अगर बात की जाए इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे देख लीजिए, अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन वन नहीं दिया है और कुछ अलग नंबर दिया है तो वो वाले केस में आपको क्या सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को वन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम ही रहेगा तो जो नंबर है जैसे टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी टू से हो रहा है तो उसको टू से डिवाइड कर दीजिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा फॉर्म में दिख रहा है आपको सर्कल का इक्वेशन तो आपको थ्रू आउट ए से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे वो वाले केस में फिर सेंटर हो जाएगा माइनस जी बाई ए, क्योंकि फिर कंपेयर करेंगे जो भी हमने अभी बात करी उसी से। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन नहीं है तो हम थ्रू आउट डिवाइड करके कोई नंबर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन बना सकते हैं एंड फिर सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? तो अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट क्लियर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, बता दीजिए सब लोग। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो इसके ऊपर जो मैंने बताया स्टूडेंट इसके ऊपर नोट भी एक रिमार्क भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है, ये आपने अभी भी डिस्कस ही किया था कि ये आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन आता है इन एक्स एंड वाई, क्योंकि अभी हमने बात करी थी तो जनरल इक्वेशन सर्कल की वो सेकंड डिग्री इक्वेशन ही है इन एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों बराबर आता है। ठीक है, और उसके साथ स्टूडेंट यहाँ पे एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं होते, देयर इज नो टर्म इन एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स इंटू वाई वाली टर्म का कोएफिशिएंट जीरो है आपका, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें?
मैम, ओके नो मैम, स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो प्लीज यहाँ पे आप नोटबुक निकालिए ना, अभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको मेरे साथ, ठीक है? तो सब लोग क्वेश्चन सोल्व करने, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए, आपको आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब जो जनरल फॉर्म है उसी में है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक में भी डिस्कस किया है ना, कोई बताइए मुझे। यस मैम, ओके ओके सही स्टूडेंट, कहा। अच्छा कोई बोल भी रहे यहाँ पे स्टूडेंट, प्लीज बताइए कुछ, कोई तो अगर कुछ डाउट है कुछ बोलना चाह रहे तो बोल सकते हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद जो जनरल अभी हमने डिस्कस किया, जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, कंपेयरिंग विद, यहाँ पे इक्वेशन ऐसा लिखा था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक सेकेंड यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो कौन मुझे बताएगा g की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू और c की। देखिए 2g आपका -4 के बराबर हो जाएगा, मतलब g की वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 2g अगर -4, माइनस -2, वेरी गुड। 2f अगर आपका 6 के बराबर है तो f की वैल्यू, वेरी गुड, थ्री ठीक है, f की वैल्यू हो गई 3। अभी स्टूडेंट सी जो क्या हो गया देख लीजिए, सी आपका हो गया 2, ठीक है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर ऐसा फॉर्म में है तो सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा -g, -f, ठीक है? तो यहाँ पे बताइए क्या आ रहा है, तो -g की बात करेंगे तो ये हो गया आपका -2, टू मतलब प्लस ओके टू एंड -3। किसी को डाउट है, मतलब सर्कल का सेंटर आपका हो गया 2, -3। एवरीवन समझ में आया? यस अभी रेडियस की यस बात करें, मैम, वेरी गुड, तो प्लीज यहाँ पे रेडियस भी निकालिए, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² - c। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो g² आपका देख लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ, देखिए हाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे नाइन वेरी गुड 9, और यहाँ पे c की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 2 है, -2 करना पड़ेगा यहाँ पे -2, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है रूट इलेवन √11। सबका यही आ रहा है, रेडियस आपका यस रूट मैम, इलेवन हो गया, यस कुछ यूनिट बताया नहीं है तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं √11 यूनिट, चाहे √11 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? आई होप सबको समझ में आया होगा ये। यस मैम, ओके यस मैम, ओके स्टूडेंट, यस एक मैम, क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है? तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया, अभी इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं देख लीजिए। तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है, मैंने बताया जब अगर आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बना सकते हैं, ये इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड करके, देखो यहाँ पे तो इसको लिख लेते हैं हम, तो जो इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, सर्कल ही है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका दोनों सेम है, एक्स इंटू वाई वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो ये सर्कल का ही इक्वेशन है, लेकिन अगर हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालना है जो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 बना रहे हैं, ठीक है? सो 2 टाइम्स x² प्लस 2 टाइम्स y² प्लस 4x प्लस 6y -2, ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसको पहले तो हम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x² प्लस y² प्लस 4/2, मतलब ये 2x हो गया, यहाँ पे प्लस का 3x, नहीं 3y हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको -1 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें कैसे आया, हमने 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन की बोथ साइड को। अभी कंपेयर कर सकते स्टूडेंट, कंपेयरिंग विद लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विद यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या आएगा प्लीज बताइए। वी गेट 2g की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे 2, मतलब g की वैल्यू वन स्टूडेंट 1, वेरी गुड। 2f की वैल्यू 3 मिल रही है, मतलब f की वैल्यू हो गई 3/2, देख लीजिए, और c की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पे -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो सेंटर आपके पास यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो जाएगा -g, -f,
यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, ये जो मैंने यूज किया ना 3 लाइन, इसको इक्विवेलेंट रीड करते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -1, एंड यहाँ पे एफ का है आपको पता है 3/2 है, तो माइनस एफ का क्या हो जाएगा, -3/2। सबको यही आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट -1 एंड -3/2। एवरीवन एक बार बता, यस ओके अभी, यस मैम, ओके स्टूडेंट वेरी गुड। यहाँ पे तो अभी रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस आर जो है सर्कल का, ये आपका होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जी की वैल्यू शायद से आपको 1 थी, हाँ 1, एंड एफ की वैल्यू 3/2, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या लिख दीजिए ये 3/2 का स्क्वायर है, और सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पे -1 थी, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। एंड अभी अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लीजिए, ये हो गया 1 + 9/4 + 1, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 9/4 है अंडर रूट के अंदर। अभी अगर अभी आपको एलसीएम लेना है स्टूडेंट तो ले सकते हैं, ये हो जाएगा 4, 4 2 8 + 9, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा भी देती हूँ, यही आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड है स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ आपको, इरेज क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, मैं इसको नीचे जो लिखा है इसको इरेज करने का ट्राई कर रही हूँ। तो अभी स्टूडेंट इसको अच्छे से लिखते हैं, ये हमारे पास 4 ही है ना मैम, यस ओके 4 है, 17/4, वेरी गुड। ये अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट अगर आप लिखेंगे तो √17/4 है, अगर आपने अंडर रूट रिमूव किया है तो न्यूमरेटर में तो रूट रहने दीजिए √17, और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर से अगर रिमूव करना है तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2, ठीक है। किसी को डाउट है, सबको सेम आंसर आ रहा है, एवरीवन बता दीजिए एक बार, यस मैम, ओके। तो ये हमारे पास हो गया सर्कल का रेडियस स्टूडेंट, यहाँ पे √7/2, अगर यूनिट्स लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे भी चलेगा क्योंकि कई बार लिखते ही नहीं है वो लोग यूनिट्स, ठीक है। सबको समझ में आया, यस मैम, ओके ठीक है, यस ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो हमने क्या है जनरल फॉर्म के ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है स्टूडेंट, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसा कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक से भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तो देख लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ मैंने आपका दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें क्या बोला है, हैविंग 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7 एज डायमीटर। डायमीटर आपको पता है स्टूडेंट सर्कल में लॉन्गेस्ट कोर्ड जो होती है, ठीक है, और हुज एरिया आपको दिया है 154 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोला कि रेडियस ये है सेंटर ये है, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको डायमीटर सबको पता चला कि डायमीटर वो कोड है जो एक तो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और वो लॉन्गेस्ट कोड भी होती है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ रफ डायग्राम तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप, एक सेकेंड, ठीक है यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। स्टूडेंट सर्कल जैसा लग रहा है क्या, ओके चलो, यस मैम, ओके ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कहीं पे तो सेंटर है सर्कल का, ओके क्योंकि रफ डायग्राम दिखा रहे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन आपके लिए दिखा देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो जैसे स्टूडेंट एक मैंने बोला कि एक ये डायमीटर हो गया, ठीक है, और दूसरा आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा है, और आपको पता है दो डायमीटर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट बताइए, सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका नाम कुछ देना चाहे तो दे दीजिए ओ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर ले स्टूडेंट। और आपको पता है सर्कल का एरिया भी है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ क्योंकि डायमीटर बोला हुआ है आपको, तो ये जो इक्वेशन है, ओके नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, 2x - 3y = 5 एंड उसके बाद क्या दिया है स्टूडेंट आपको, 3x - 4y = 7, 3x - 4y = 7, ठीक है स्टूडेंट। दो डायमीटर की इक्वेशन पता है आपको, पता है इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा, और जो भी आपको x और y की वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या हो गया, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। प्लीज बताइए कैसे सोल्व करना चाहेंगे आप लोग, बताइए x का कोएफिशिएंट सेम करना है,
है कि वाई का कोएफिशिएंट सेम करना है, आप बताइए, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो भी मैम सेम। एक्स का, ओके एक्स का कोएफिशिएंट सेम करना है तो क्या करूँ मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, जो इक्वेशन वन है सपोज मैंने इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, लिखना चाहिए तो लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है यहाँ पे सेम ही करना चाहेंगे आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में यहाँ पे। शुरू मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, आपने एक्स का कोएफिशिएंट सेम करना है तो पहले काम करते हैं इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा 6x-9y=5 3 15, ठीक है नंबर आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अभी इक्वेशन टू को स्टूडेंट टू से मल्टीप्लाई कर दे, ये लिख दिया 6x- यहाँ पे कितना हो जाएगा 8y=14, समझ में आया सबको। अभी क्या करें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर दे, आप चाहे तो नंबरिंग लिखना है तो लिख दीजिए, आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो लिख दीजिए, क्या है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 वी गेट, और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको बताना है, प्लीज बताइए ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी स्टूडेंट बताइए। हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर एक्स का वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 6x और -6x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है अभी जो मिलेगा स्टूडेंट देख लीजिए, माइनस का 9y प्लस का 8y, तो माइनस का y मिल जाएगा और यहाँ पे कितना मिलेगा इक्वल टू 15-14, मतलब ये 1 मिलेगा। किसी को डाउट है मतलब y की वैल्यू की बात की जाए तो स्टूडेंट y की वैल्यू -1 आ रही है, किसी को डाउट यस इसमें। मैम, ओके अभी स्टूडेंट y की वैल्यू जो -1 आई है वो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको चाहिए तो देखो मैं यहाँ पे करके देती हूँ, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x-3y, y की वैल्यू आपने बताया -1 आई है और ये इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 2x+3=5, मतलब यहाँ से 2x=5-3 मतलब ये 2 हो गया एंड x की वैल्यू 1 मिल रही है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, नो ठीक है तो एक्स की मैम, वैल्यू 1 हो गई, ठीक है मतलब सेंटर लिख दूं स्टूडेंट यहाँ पे, तो ऐसा अगर आप पूरा डिटेल में लिखना चाहे तो लिख दीजिए, डायमीटर ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है तो यहाँ से हम नेक्स्ट में लिख देते डायरेक्टली एज डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ द सर्कल देयरफॉर सेंटर के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 1 आई थी वाई की वैल्यू -1 आई थी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट समझ में आया 1 एंड -1 हो गया, किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट वेरी गुड, यहाँ पे तो हमें क्या दिया है वो भी सर्कल का एरिया दिया है कितना 154 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे बोला है, हम यूज करेंगे ठीक है, तो दिया है एरिया ऑफ द सर्कल, ये आपको दिया है 154 स्क्वायर यूनिट्स, एंड स्टूडेंट अभी अगर हमने सर्कल का रेडियस आर माना है तो आपको पता है एरिया ऑफ द सर्कल हो जाता है πr² और ये आपको बोल रहे 154 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिए, तो यहाँ से स्टूडेंट मुझे बताइए आर स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, ये हो जाएगा 154/π, ठीक है किसी को डाउट है, और यहाँ पे नीचे और भी पाई की वैल्यू आप चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे 22/7 सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास मिलेगा r² = यहाँ पे 154/ यहाँ पे 22/7, ठीक है स्टूडेंट, और ये आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करें बताइए, एवरीवन रेसिप्रोकल इसका 22/7 का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको r² मिलेगा 154/7/22, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देख लीजिए, आप चाहे तो 2 से करके देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे 2 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 14 होता है 77 77, वेरी गुड, अभी 11 से कर दे 11 1 11 7, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए मुझे लग रहा है आर स्क्वायर आपको मिल रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर ना 7 इधर, हाँ 49, ठीक है तो आप चाहे तो 49 लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट रेडियस कितना हो रहा है सबका बताइए, आर
आ गया है यहाँ पे, यूनिट लिखना चाहे तो यहाँ पे 7 यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आर इज इक्वल टू 7। अभी सर्कल का आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जगह नहीं है तो कहाँ पे लिखे, एक और पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। देयरफोर द इक्वेशन ऑफ, देयरफोर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, रिक्वायर्ड स्टूडेंट कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म ना। देयरफोर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय, क्योंकि अभी हमें सेंटर भी पता है, तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स माइनस, यहाँ पे सेंटर देखिए, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, ठीक है। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी ये एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस लिखते स्टूडेंट, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। तो एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 7 आया है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्टूडेंट, आप चाहे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको जेई के एग्जाम में जो आपको ऑप्शन दिखते हैं तो ऐसा ही फॉर्म में दिखता है, तो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर इसको थोड़ा ओपन भी करना है ना आपको, तो ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है सेंटर रेडियस फॉर्म से हमने ऐसा देखा है। समझ में आया, किसी को डाउट है? एवरीवन नो मैम, पक्का ना, अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है, जनरल फॉर्म में दिया है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर ये हो गया है, नहीं तो ऑलरेडी हमें पता है स्टूडेंट जो पहले पढ़ा था। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी कि सर्कल की कुछ ऐसी फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको पूरा ब्रैकेट ओपन नहीं करना है ना स्टूडेंट, तो ऐसा करके आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, -g, -f लिखते थे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो -g 1 है आपका, -f है -1, तो वहां से भी g और f की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी मर्जी, आपको जैसा ओपन इजी लगे वैसा कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करना आता ही है, नहीं तो ऐसे भी लिखना है तो ऐसा भी चलेगा, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया था स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके बाद लिखा था विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, ठीक है, ऐसा पूछा है यहाँ पे। अच्छा कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करना चाहे। स्टूडेंट हमने वर्ड, ये वाला वर्ड बहुत बार सुना है, दो सर्कल में बोलू कॉन्सेंट्रिक है, तो वर्ड से भी समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको वो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कॉन्सेंट्रिक है ये वाले सर्कल के साथ, और उसका पेरीमीटर आपको दिया है सर्कल का 72, ठीक है। अभी स्टूडेंट पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली जो सर्कल का जो बाउंड्री है ना उसका लेंथ दिया है, मतलब आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ पे आपको पता है ये जो जिसके साथ कॉन्सेंट्रिक है उसकी इक्वेशन दी हुई है कुछ ऐसा। स्टूडेंट मुझे बताइए डायरेक्टली कंपेयर करना है कि कुछ और करना पड़ेगा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो मुझे अगर कंपेयर करना है जो जनरल इक्वेशन हमें सर्कल की बात करें, तो पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दे क्या, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ पे फिर मिलेगा -5/3x, फिर यहाँ पे -6/3 करेंगे तो ये -2y हो गया, -14/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अभी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद या ऑन कंपेयरिंग ऐसा भी लिख सकते हैं, सो हम इसको कंपेयर करेंगे, जनरल जो इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए। देख लीजिए 2g आपको मिला -5/3, ओके मैं लिख के दिखा देती हूँ, 2g आपको मिल रहा है -5/3, 2f आपको मिल रहा है यहाँ पे -2, एंड c आपको मिल रहा है -14/3। तो यहाँ से स्टूडेंट g की वैल्यू कौन बताएगा, यहाँ पे g की वैल्यू -5/6 हो रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट। और f की वैल्यू देख लीजिए, f की वैल्यू आपको कितने मिल रही है -1, और सी की वैल्यू आपको मिल रहा है -14/3। तो सेंटर बताइए यहाँ पे,
लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर है वो आपको पता है कैसे लिखते हैं, यहाँ पे माइनस जी कोमा माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट देख लीजिए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस, देखो माइनस है पहले फॉर्मूले का और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ 5/6 हो जाएगा, और माइनस एफ की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी रेडियस निकालना आता है स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियस अभी देखो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे रेडियस में यहाँ से डायरेक्टली यूज करूँ क्या कोई मुझे बताएगा, नहीं, क्योंकि क्या बोला है ये जो इक्वेशन दी हुई थी स्टूडेंट यहाँ पे, ये आपको वो सर्कल की इक्वेशन दी है जो रिक्वायर्ड सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर सेम होगा, रेडियस आपका दोनों सर्कल के डिफरेंट है, तो वो हमें यूज नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रिक्वायर्ड सर्कल का पेरीमीटर आपको 72 दिया है, ठीक है, तो वो यूज करना पड़ेगा अभी, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज, पेरीमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कितना दिया है यहाँ पे स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है 72, यूनिट नहीं दिया तो 72 ही ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब स्टूडेंट क्या दिया आपको, सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल का, ये हो गया 2πr, किसके बराबर हो गया 72 के, तो यहाँ से अगर मुझे r निकालना तो निकाल सकते हैं क्या, 72/2π। एवरीवन बता दीजिए अभी क्या करें, r आपके पास हो गया, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो कर दीजिए, ये हो गया upon 2 into यहाँ पे आप लिखते हैं 22/7, ठीक है। तो कुछ अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहे तो कर दीजिए, 2 1 जा यहाँ पे 36 हो रहा है, और अगर आगे सिंपलीफाई करना है तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, तो आपको मिलेगा 36 into 27, ओके 22/7 का रेसिप्रोकल, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 11 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 18 ना लिख लीजिए, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 11, तो अगर आप इसको और कुछ कर सकते हैं सिंपलीफाई, इतना ही आ रहा है, एक बार देख लीजिए सब लोग क्या आंसर आ रहा है हमारा, रेडियस कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या, हाँ ऐसे ही दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहे आर की वैल्यू हो गई 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56, ठीक है, 7 1 7 और यहाँ पे 5 करेंगे यहाँ पे तो 126 हो रहा है क्या, देख लीजिए अपॉन 11। एवरीवन चेक कीजिए आंसर, रेडियस आपका 126 अपॉन 11 यूनिट आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय, स्टूडेंट डायरेक्टली हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय एक्स माइनस जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट यहाँ पे 5/6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट 1 मिल रहा है यहाँ पे वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारा अभी 126 अपॉन 7 आ रहा था, नहीं 11 आई एम सॉरी 126 अपॉन 11 था, तो ये हो गया राइट साइड में 126 अपॉन 11 का स्क्वायर। किसी को डाउट है बता दीजिए, सबको सेम ही आया ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, आपको क्वेश्चन में यही पूछा था ना, एक सेकंड में चेक भी कर लेती हूँ, इक्वेशन ही पूछा था सर्कल का, तो सेंटर हमें पता है और रेडियस पता है, तो ये इक्वेशन हमने सेंटर रेडियस फॉर्म से लिख दी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए आपको बोला है, मतलब वही हम क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो वही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके अंदर हम अलग अलग सब क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे बोला है सर्कल जो है वो पास कर रहा है किससे, ये पॉइंट दिए हुए स्टूडेंट, और सेंटर यहाँ पे बताया है कि इसके ऊपर लाई करता है स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन को सोल्व करने की अलग अलग मेथड है, कौन कौन से मेथड मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एक तो मेथड ये स्टूडेंट आपको सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये पॉइंट सर्कल से, मतलब सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वहां से इक्वेशन मिल जाएगी, तो एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे,
तो मैथ्स में जो इजी लगे वो वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। उसमें अगर मैं डायग्राम दिखाना चाहूँ तो क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए रफ डायग्राम एक बार इसका देख लेते हैं। जैसे अगर ये कोई सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, उसमें सर्कल जैसे लग रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सर्कल है उसका सेंटर कुछ यहाँ पे मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, जो सर्कल का सेंटर है वो ये लाइन के ऊपर है, लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, एग्जैक्टली नहीं बना रहे। तो ये लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है। और आपको पता है सर्कल स्टूडेंट ये दो पॉइंट से भी पास कर रहा है, कभी यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, एंड यहाँ पे सपोज कहीं पे है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर अब बात की जाए तो क्या कर रहे हैं अभी हम, अगर मैं ए को यहाँ से ज्वाइन करूँ, एंड ए को मैंने ज्वाइन कर दिया है यहाँ से, और यहाँ पे इसका कुछ नाम देना चाहिए तो बता दीजिए, अगर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नाम कुछ सी देना है, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है सी ले सकते हैं नाम, आपकी मर्जी, लेकिन कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सेंटर कैपिटल सी दिखा रहे हैं, और वो जो जनरल इक्वेशन लिख रहे थे सर्कल की वहाँ पे स्मॉल सी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले तो मुझे बताइए स्टूडेंट, इसको मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको जो जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल की, और आपको पता है सर्कल इनसे पास हो रहा है, तो ये वाली मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रही यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से भी आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे बताइए सर्कल का जो सेंटर है उसके कुछ कोऑर्डिनेट मानने की बजाय अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ स्टूडेंट, किसी को याद है पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट? मतलब यहाँ पे आप पढ़ेंगे अभी सर्कल में भी पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल एक्स और वाई को यूज करने की जगह अगर मैं सिंगल वेरिएबल ले लूँ, जैसे मैंने टी ले लिया, जैसे स्टूडेंट अगर मैंने एक्स को टी ले लिया, देख लीजिए यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मुझे बताइए। अगर मैंने एक्स को टी माना है तो वाई आपका 2t हो जाएगा स्टूडेंट, प्लीज बताइए होगा कि नहीं एवरीवन। यस क्योंकि मैम, मैं क्या कर रही हूँ कि दो वेरिएबल में डील करने की बजाय एक सिंगल वेरिएबल यूज कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता ही है जो सेंटर है सर्कल का ये वाली लाइन के ऊपर है, तो अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट टी माना है तो वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 2t हो गया। अभी स्टूडेंट आप जो यूज करना चाहिए आपकी मर्जी, अभी आप मुझे बताइए कोई भी स्टूडेंट, ए सी का डिस्टेंस, ए ओ सी का डिस्टेंस एंड बी ओ सी का डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं, कोई भी स्टूडेंट बताइए। क्योंकि सी क्या है यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए बी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, एग्री करेंगे? मैम ओके, तो यहाँ पे लिख दूं क्या मैं स्टूडेंट, यहाँ पे ए सी किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी सी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो आएगा वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो आपको क्या मिलने वाला देख लीजिए। स्क्वायर रूट आता है स्टूडेंट, मैं स्क्वायर रूट रिमूव कर देती हूँ डायरेक्टली, आप डायरेक्टली दोनों साइड में स्क्वायर लेके ही लिखने वाली, तो मैं क्या मिलेगा मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, देख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2t -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट था स्टूडेंट, मैंने अंडर रूट रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा आपके पास टी -3 का होल स्क्वायर प्लस 2t +2 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है तो कैसे लिखा प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी आया, रेडियस हो गया सर्कल का, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा बी सी के स्क्वायर के, तो ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, टी की वैल्यू मिल गई ना, तो अगर एक बार आपको सेंटर मिल गया है रेडियस तो निकाल ही सकते हैं स्टूडेंट आप, यहाँ पे बहुत सारे वे है इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो एक मैं करके दिखा रही हूँ, इसको सिंपलीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो क्या मिलेगा देखिए, टी प्लस क्या है 1 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, देख लीजिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, प्लस साइन आएगा, और यहाँ पे है 2t -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स t का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे -8t आ जाएगा, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4। चेक करते रहिए सब लोग, कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं करी है, यहाँ पे टी -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -60 +3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अभी 2t + 2 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे 4 टाइम्स t² एंड यहाँ पे प्लस था ना वहाँ पे, तो +8t हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस का 4। एक बार चेक भी कर लेते हैं, सही लिखा है ना हमने, देख लीजिए।
अभी स्टूडेंट देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो टी स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल, दोनों साइड में 4 टाइम्स टी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब टी स्क्वायर का टर्म तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही गया है। तो अभी जो बचा है उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 2t-8t करेंगे तो स्टूडेंट -60 हो गया, 1+4 करेंगे तो 5 हो गया। यहाँ पे राइट साइड की बात की जाए तो -60+8t कर रहे हैं तो ये प्लस का 2t हो गया +30। ठीक है, तो अगर आप इसको कैसा लिखना चाहिए आपकी मर्जी, तो यहाँ पे -60-2t लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 13-5। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको क्या मिलेगा। माइनस का 8t किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, 8 के बराबर, 13-5 8, मतलब t की वैल्यू स्टूडेंट कितना हो गया, 8/-8, मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, प्लीज बता दीजिए सबका यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। ओके, t की वैल्यू -1 आई तो स्टूडेंट सेंटर कैसे मिलेगा, यहाँ से लिख दूं, तो यहाँ पे लिख लिखते हैं, यहाँ पे सेंटर, सेंटर सी है, इसके जो कोऑर्डिनेट आपको पता है टी कोमा 2t आपने लिया है, t की वैल्यू आई है -1 एंड तो -2t कितना हो जाएगा आपके पास, -2। ओके, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चेक करती हूँ मैंने क्या मिस्टेक तो नहीं किया है। टी की वैल्यू -1 है स्टूडेंट, तो टी की वैल्यू -1 हो गई, 2t आपका हो जाएगा 2 × -1, तो सही लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गया स्टूडेंट। रेडियस कैसे निकालें कोई मुझे बताइए, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, ए और बी पॉइंट आपको पता है सर्कल के ऊपर है, तो चाहे तो आप ए सी निकाल लीजिए या बी सी निकाल लीजिए, तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगी, तो लिख देते हैं। ठीक है, रेडियस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना चाहे तो ए सी लिख दीजिए स्टूडेंट, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये आएगा यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट अभी आपने बताया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारे पास, -1, -2 आया है, और ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है -1, -2 है, तो अभी लिख देते हैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है -1, -2। स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला से बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे माइनस माइनस करके +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं -2, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिए, तो रेडियस आप चाहे तो बी सी को ज्वाइन कर दीजिए तो वहां से भी रेडियस मिलेगा, और या तो ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए उसी से भी मिलेगा, तो ये मिल रहा है -1 + 0 का स्क्वायर, मतलब 0। यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट +16 आएगा, मतलब √16 आया है, मतलब यहाँ पे रेडियस आपके पास हो गया 4। ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस जो सर्कल का हमने लिया है आर, ये लिया है, ये हो गया 4 यूनिट। स्टूडेंट अभी बताइए इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर ओके, यहाँ पे भी जगह नहीं है तो एक और पेज ऐड कर लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, therefore equation of required circle is given by, स्टूडेंट कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म, तो यहाँ से देख लीजिए सेंटर आपको पता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर + y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस आपने 4 पता है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। किसी को डाउट है इतना लिख के छोड़ देंगे, जैसा क्वेश्चन में अगर ऐसा फॉर्म में दिया तो ऐसा आंसर मैच कर सकते हैं, या जनरल फॉर्म में दिया है तो इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए, सबको समझ में आया जो भी स्टूडेंट, पक्का ना। थैंक यू कनिका, रजनीश, बाकी लोग भी है यहाँ पे बताइए। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर अभी टाइम मिला तो अभी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो एज ए होमवर्क मैं आपको दे सकती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए सर्कल का ही इक्वेशन फाइंड करना है, क्या बोला है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे 4th सब पार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। बहुत ईजी है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब उसका जो पॉइंट है सेंटर का, जो बात करें कोऑर्डिनेट की स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। किसी को डाउट है, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर फटाफट बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे रफ डायग्राम बात कर लेते हैं इसका, तो कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं आपके पास, देख लीजिए अगर सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे मैं इसका अगर लू, यहाँ पे कुछ नाम दिया, सी नाम दिया, कोऑर्डिनेट कैसा होगा स्टूडेंट, जैसे अगर आप चाहिए तो ए कोमा या टी कोमा 0 लेना तो ऐसे भी लीजिए, आपकी मर्जी, यहाँ पे टी कोमा 0 ले सकती हूँ ना, यहाँ पे प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट। ठीक है,
और यहाँ पे आपको पता है सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट भी दिया है, जैसे इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितना दिया है स्टूडेंट, 2.3। अगर आप एसी को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ से आप सेंटर निकाल सकते हैं क्या, कोई भी बताइए, निकाल सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, देखो ठीक है। तो हम बहुत इजी है, बस आज के लिए लास्ट करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसी किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब 5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट सब लोग आंसर बताइए, टी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अंडर रूट ऑफ टी -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखते हैं 0 -3 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर लिखेंगे, रेडियस कितना है आपका 5 यूनिट। अभी स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो टी -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 9 ही आता है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। तो सिंपलीफाई करके बता दीजिए तो आपको मिल रहा है यहाँ पे एक दूसरा ट्रिक, स्टूडेंट देख लीजिए दूसरा ट्रिक, यहाँ पे देखिए टी -2 का होल स्क्वायर आपके पास ये मिलेगा। देखो एक तो एक तरीका है, आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे कि टी स्क्वायर -40 + 4 वैसा लिखेंगे तो भी सेम है, नहीं तो मैं दूसरा ट्रिक आपको दिखा रही, देख लीजिए टी -2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट कितना आता है, 16 आएगा ना शायद, 16, ठीक है। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे जो पूछे ना हमें, देखते हैं कि हमने ऐसा बनाया है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको, तो हमें यहाँ से मिल रहा है टी -2 का होल स्क्वायर आपका किसके बराबर मिल रहा है, 16 के बराबर मिल रहा है, ठीक है। मतलब 16 मतलब बोले तो ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप बात की जाए स्टूडेंट तो इसका मतलब ये है टी -2 आपका प्लस या माइनस 4 के बराबर आ रहा है, देख लीजिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है -4 का भी स्क्वायर करते तो 16 आता, तो यहाँ पे स्टूडेंट दो वैल्यू मिल रही है आपको टी की, मतलब दो अलग अलग आपको बात कर रहे हैं, मतलब दो ऐसा सर्कल मिलेगा जो बेसिकली जिनका सेंटर ये वाले एक्स एक्सिस के ऊपर है, और 0.2.3 से पास होने वाले दो सर्कल मिलने वाले आपको। यहाँ पे हमें पता नहीं था लेकिन अभी हमें चेक किया है, क्योंकि हमने टी ऐसा लिया है तो यहाँ से टी की दो वैल्यू मिल गई, देख लीजिए। तो अगर एक तो वैल्यू मिलेगी टी -2 = 4, दूसरा वाला यहाँ पे लेके दिखा देती हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे बेसिकली दो सर्कल है जो 0.2.3 से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, एंड यहाँ पे टी -2 हो गया -4। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, आप इसको ब्रैकेट को भी ओपन करके लिखते हैं ना तभी भी टी की दो वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। क्योंकि आप उन्होंने सिर्फ बोला कि इक्वेशन बताने सर्कल की, ये नहीं बताया कि एक ही की बतानी है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो देख लीजिए टी आपका किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, 6 के बराबर, और यहाँ से टी की वैल्यू मुझे लगता है आपको -2 आएगी ना, -4 + 2 -2, तो मतलब स्टूडेंट आपके पास सेंटर कौन कौन से मिल रहे हैं, दो सेंटर मिलेंगे मतलब दो सर्कल, 6 और -2। 6, ओके। यहाँ पे एक 0 लिख दो स्टूडेंट, दूसरा वाले केस में आपको मिलेगा -2.0, ठीक है स्टूडेंट। तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ये वाले केस में लिख दूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके। यहाँ पे लिख सकते स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, ये वाला अगर सेंटर ये लिया है तो ये वाले केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, और रेडियस साइड से 5 दिया था ना आपको, यस मैम। ओके। स्टूडेंट यहाँ पे बताइए ये वाले केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, मैम एक्स माइन प्लस 2 स्क्वायर। एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं लिख देती इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इज भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएगा एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई -0 लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, नहीं तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा वहाँ पे, और ये किसके बराबर, 5 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया, मतलब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आपके पास बेसिकली दो सर्कल ये वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉइंट ए से पास करने वाले दो सर्कल आपको मिल रहे हैं, और वहां पे दोनों सर्कल का सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना करते हैं, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया, ओके यस। स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है एंड